एक आलू की चीज। और ये जो आलू है इसे हमें क्या बनाना है? अब देखिए फ्रेंच फ्राइज वगैरह जो है वो तो बहुत लोग पसंद करते हैं क्रिस्प, लेकिन ये आलू से हम कुछ फ्राई करके बनाएंगे। आलू लेकर थोड़े बड़े साइज के, और उसे अच्छी तरह से आपने साफ कर लेना है और फिर बीच में से ऐसे काट लिया। इसके बाद ये इस तरह से, ये देखिए ये हो गया आलू तैयार। अब क्या करना है? अब इतना सारा आलू हमने तैयार कर लिया, अब इस आलू को लेकर हम ये ले लेते हैं और इसके बाद थोड़ा सा एक मसाला सा तैयार कर लेते हैं। मेरे पास है ये सी सॉल्ट, कुछ काली मिर्च और क्रश्ड रेड चिली और थोड़ी सी कुछ हर्ब वगैरह ले लेते हैं। ये मेरे पास है रोजमेरी और कुछ थाइम ये इसके अंदर, और इन सब चीजों को बस क्रश कर दिया, हो गया तैयार। और अब ये लीजिए, और चाहे तो थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसे कुछ देर रहने देते हैं। अब इसे पकाने के लिए, चाहे चीज फ्रीजर में रखे जाने के लिए ठीक हो, लेकिन फिर भी उसे पकाना तो पड़ेगा ही, कच्चा तो नहीं खा सकते हैं, तो यानी उसकी प्री कुकिंग करेंगे, पूरा कुक नहीं करेंगे, और फिर उसे आप फ्रीजर में रख सकते हैं, जब भी चाहिए इस्तेमाल किया और तैयार। अब ये हमने इसको रखा है नमक मसाले लगाकर। इससे क्या होता है कि नमक की वजह से ये जो आलू का मॉइस्चर है वो थोड़ा थोड़ा बाहर निकल के आएगा। जैसे आप प्याज के ऊपर नमक लगा के रखते हैं, या फिर ककड़ी के ऊपर कुछ देर नमक लगा के रखें और फिर आप देखते हैं कि पानी उसमें से निकलता है, यही हम चाहते हैं कि इसमें से थोड़ा सा पानी निकले, और फिर उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन ये जो पैन है इसे थोड़ा गर्म करना है। ये जो आलू हैं ये देखिए इसमें से मॉइस्चर, इसका पानी निकलना शुरू हो गया। अब क्या करना है? ये तैयार है, अब इसके अंदर डालते हैं हम मैदा, और ये मैदा डालकर इसे मिक्स करना है। अब ये पैन, इसके अंदर डालते हैं तेल। ये जो आलू है इसे हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, इसे हम इसी तरह से सब मसाले के साथ में, ये आलू इस तरह से, ये सब आलू, और ये इसे आप लेकर पलट लें। जब ये पूरी तरह से दोनों तरफ से पक जाएं, तब आप इसको निकाल कर इसमें से जो एक्स्ट्रा तेल है वो छान लें। एक बार फिर ढक्कन लगाकर पकने देते हैं, थोड़ी देर बाद ढक्कन निकाल देंगे और फिर इसको पकाएंगे थोड़ी सी तेज आंच पे। वो क्यों? ताकि जो तेल के अंदर एक्स्ट्रा मॉइस्चर आ जाता है वो निकल जाए और आलू हो जाए एकदम क्रिस्प। फिर इसको छान लें, तेल एक्स्ट्रा निकालें, और ये आलू को रखें फ्रीजर के अंदर। अब हम नोट करें इसकी गर्मा गर्म क्रिस्प रेसिपी। उसके बाद छोटा सा रिकैप, मैं और तैयारी करता हूँ ऐसी रेसिपीज की जो फटाफट तैयार हो सकें और काफ़ी दिन तक रह सकें। फ्रीज़र का कमाल ये है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने तक कुछ नहीं होता, हाँ बशर्ते लाइट नहीं जानी चाहिए। अब पोटैटो वेजेस के लिए हमें चाहिए 8 आलू छिलके के साथ कटे हुए, सी सॉल्ट स्वाद अनुसार, 8 काली मिर्च कुटी हुई, 2 छोटे चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच ताजी रोजमेरी कटी हुई, 1 छोटा चम्मच फ्रेश थाइम कटी हुई, 1/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 बड़े चम्मच मैदा और तलने के लिए तेल। इसे बनाने के लिए नमक में कुटी हुई काली मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, रोजमेरी और थाइम डालकर कूट लें, और अब इसे आलू के पीसेस में डालकर मिक्स करें। इसके साथ लाल मिर्च पाउडर डालकर मिलाएं और करीब 15 मिनट के लिए रख लें। अब इसमें मैदा डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैन या कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें आलू डालकर सब तरफ से थोड़ा थोड़ा रंग आने तक पका लें, और इन आलुओं को ठंडा करके जिप लॉक बैग में डालें और इसे फ्रीजर में रखें, और जरूरत पड़ने पर इसे निकालें और इसे बेकिंग ट्रे पर डालें, या प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर सुनहरा होने तक बेक करें, और या चाहें तो तेल में तलें और परोसे गर्मा गर्म।